अगला हमारा इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशन, यानी जब दो व्यक्तियों की पोजीशन दी गई है और वो दोनों आपस में क्या है स्थान बदल लेते हैं। अब इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, उसमें होता क्या है बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, तो उससे पहले एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप का होगा, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे है ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ए का जो स्थान है वो बाई ओर से 18वां है। ए का जो स्थान है बाई ओर से कितना है 18वां। वही विद्यार्थियों की उसी पंक्ति में बी का जो स्थान है वो दाई ओर से कितना है, दाई ओर से 23वां है। दाई ओर से कितना है 23वां है। फिर कहता है जब दोनों आपस में स्थान बदल लें, जब दोनों आपस में स्थान बदल लें तो ए का स्थान जो है ना वो बाई ओर से 27वां हो जाता है। तो ए का जो पोजीशन है वो बाई ओर से कितना हो जाता है 27वां। तो आपको बताना है कि बताएं बी का पोजीशन राइट ओर से अब क्या होगा, दाई ओर से बी का स्थान क्या होगा, और दूसरा उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों चीज समझाऊंगा, पहले डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिएगा, डायग्राम से समझ में आता है तो अच्छा है, फिर उसके बाद ये कंसेप्ट पे। तो डायग्राम से कैसे देखिएगा, यहां पर कहा गया है प्यारे बच्चों कि ए का जो पोजीशन है ना वो लेफ्ट से कितना दिया है 18 दिया है। ए का पोजीशन लेफ्ट से कितना दिया है 18 दिया है। और वहीं पर यदि मैं बात करता हूं तो हमें बी का भी तो पोजीशन दिया गया है, और बी का जो पोजीशन है वो राइट से कितना दिया है प्यारे बच्चों, बी का जो पोजीशन है वो राइट से 23rd दिया है। यानी इसका मतलब ए के लेफ्ट में 17 है और बी के राइट में कितने हैं 22 है, बी के राइट में कितने हैं 22 है। फिर अगली बात क्या कहेगी, जब दोनों आपस में स्थान बदल लें, दोनों आपस में स्थान बदल लें, इस बात का मतलब क्या हुआ, बी आ चुका है ए के स्थान पर और ए जा चुका है बी के स्थान पर। ऐसा करने के बाद होता क्या है कि जो ए का स्थान है ना वो बाई ओर से कितना हो जाता है 27वां हो जाता है, कितना हो जाता है 27वां। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा यदि कंसेप्ट को क्लियर करें तो हमें ये कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम से यहां तक की पोजीशन समझ में आ गई। अब यदि मान लीजिएगा आपको प्यारे बच्चों टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है, टोटल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो टोटल स्ट्रेंथ के लिए आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से देखिएगा, यदि मैं यहां से लेकर यहां तक बात करता हूं, यहां से लेकर यहां तक आपको पता है कि 27 है और आगे की ओर कितने और बैठे हैं 22 और बैठे हैं, तो 27 और 22 यानी आपका आंसर कितना हो गया 49 हो गया, कितना हो गया 49। क्लियर है, किसके लिए कहा मैंने बच्चों टोटल स्ट्रेंथ यदि आपको निकालनी है। दूसरी बात डायग्राम से बता रहा हूं, फिर उसके बाद शॉर्ट मेथड बताऊंगा। दूसरा यदि मैं कहूंगा, यदि आपको यह बताना है कि ए का पोजीशन सॉरी बी का पोजीशन अब दाई ओर से क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता लग गया है कि टोटल है 49, उन 49 में से इधर और कितने बैठे हैं 17, तो यानी यहां से लेकर यहां तक कितने बने 32, तो यानी बी वो जो ए का पोजीशन है सॉरी किसका बी का जो पोजीशन अब राइट हैंड से कितना हो चुका है 32वां हो चुका है, कितना हो चुका है 32वां। तो ये तो मैंने आपको डायग्राम से बताया, पर मेरे प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को दो दो सेकंड में उड़ाना कैसे है वो भी सीखेगा, कैसे आप चंद सेकंड्स में इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और मेन कंसेप्ट उस चीज को समझिएगा प्यारे बच्चों। तो आपको करना क्या है, बस इतना सा करना है, थोड़ा ध्यान देना है, क्या करना है बच्चों ध्यान दीजिए। यहां से देखिएगा, पहले हमें ए की पोजीशन दी गई थी लेफ्ट से 18th और बी की राइट से 23rd, फिर जब दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज की तो ए का पोजीशन लेफ्ट से दिया 27। अब वैसे आप प्रैक्टिकल देते हैं, ए गया है बी के स्थान पर और बी गया है ए के स्थान पर, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा यानी इन दोनों की पोजीशन को कंपेयर, ए किसके स्थान पर गया है बी के स्थान पर ही गया है, तो यहां से हमें क्या है उसका दोनों तरफ से रैंक पता लग गया। अब दोनों तरफ से रैंक पता है तो 23 + 27 और -1 कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 49। तो ये हमारी क्या आ जाती है टोटल स्ट्रेंथ आ जाती है, ये क्या आ जाती है टोटल स्ट्रेंथ। क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको बात को समझ में आ गया होगा। यहां से हमें क्या है, आप यदि इसको ना भी सोल्व करें बस आप एक चीज को देखिए, यहां से आपको दोनों वैल्यू पता लग गई है, क्या पता लगी है दोनों वैल्यू पता लगी, ध्यान दीजिएगा यहां से क्या है दोनों वैल्यू पता लग गया। अब ये दोनों यानी क्या है, ए का पोजीशन लेफ्ट से 27 था और राइट से कितना है 23rd, तो आप कहेंगे 23 + 27 और -1 कर दीजिएगा तो रिजल्ट आ गया 49। वहीं पर दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों, उस बात को भी समझिएगा,
जैसे मैं कहता हूं ए का पोजीशन पहले लेफ्ट से 18 था, अब ए का पोजीशन कितना है 27 है, यानी पहले 18 से 27, यानी कितने स्थान बढ़ा है 9 स्थान। तो बी का पोजीशन भी कितना बढ़ा दो, बी का पोजीशन भी 9 स्थान बढ़ा दीजिएगा, यानी राइट से उसकी पोजीशन कितनी होगी, पहले 23 थी, 23 में 9 दौड़ दीजिएगा, यानी आ जाएगा 32वीं पोजीशन, 32nd। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बढ़ा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों इस तरीके से करना है।